हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त संजय प्रधान और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संजय प्रधान ब्लॉग्स में। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, देखिए कोतमा का रेलवे स्टेशन से, जो कि हम लोग दोनों भाई आज दोपहर में आए हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है कोतमा। तो ये कोतमा रेलवे स्टेशन में हूँ मैं, काफ़ी दिनों से आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक वीडियो कोतमा रेलवे स्टेशन का मेरे चैनल पे बना हुआ है, लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैं आया था, तो उस समय पूरा सुन सपाटा था क्योंकि आने जाने की जो सुविधाएं थी वो सारी बंद थी और इस समय धीरे धीरे सब चालू हो रहा है। और एक खुशी की और बात है कोतमा रेलवे स्टेशन पर कि यहाँ से एक ट्रेन निकलती है निजामुद्दीन के लिए, जो कि अम्बिकापुर से आती है और निजामुद्दीन को जाती है। तो आप देख सकते हैं पीछे जो आप देख रहे हैं क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, तो इस समय ब्रिज बन गया है, ओवर ब्रिज, वहाँ से जाते हैं। लेकिन जो मैं पीछे देख रहा हूँ काफ़ी लोग, जबकि रेड सिग्नल जला हुआ है फिर भी लोग आने जाने की जो गति है उसको बंद नहीं कर रहे हैं भाई, तो सावधानी से चलें, मेरा यही कहना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो अभी एक ट्रेन आने वाली है जिसका नाम है मेमू, जो कि शहडोल से अंबिकापुर की ओर जाने वाली है, जिसका टाइम है 2:15, लेकिन अभी 3 बज रहा है और अभी तक वो ट्रेन नहीं आई है, शायद इस समय लेट चल रही है। तो पीछे आप देख पा रहे हैं, हालांकि यार दिख नहीं रही है आप लोगों को, तो मैं जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना भीड़ है और कहां कहां से लोग आते जाते रहते हैं यार साल भर पूरे। अभी बरसात का टाइम है, ये आज तो 31 ये जुलाई चल रहा है, आज 31 जुलाई है, अनाउंसमेंट उधर हो रही है मेमू आने के लिए। तो चलिए चलते हैं उधर और देखते हैं क्या नज़ारा होता है। तो वीडियो को अंत तक वॉच करिए, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज इस साइड में था और इस साइड से आ करके और इसके पास मैं बैठ गया हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन अभी आने में समय लगेगा। वो 10-15 मिनट पहले ही अलाउंस हो जाती है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन आती नहीं है, वो लेट लगाती है, कम से कम एक स्टेशन पीछे ही। अभी देख सकते हो मैं हूँ सीढ़ी पर और ट्रेन अभी निकलने वाली है अंबिकापुर के लिए। मैं अगर अंबिकापुर कभी भी जाना होता है तो मैं इसी से जाता हूँ और ये ट्रेन छोड़ रही है। तो दोस्तों ट्रेन तो निकल गई, अब हम भी निकलते हैं मार्केट की ओर और देखना है भाई साहब क्या करते हैं। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा यार। जय हिंद।